नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजल नारायण। बहुत स्वागत है आपका साथ की बात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी हैदराबाद में उपस्थित आईपीएस प्रोबेशनर्स के साथ बातचीत की। इस दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि वित्तीय धोखाधड़ी एक बड़ी चुनौती बन गई है, इसलिए अपराध को थानों, जिलों और राज्यों की सीमा से बाहर निकालकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चुनौती बना दिया है। इससे निपटने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। पीएम मोदी बातचीत करते हुए आगे कहते हैं कि फिटनेस पुलिस के बहुत बड़ी जरूरत है। मुझे लगता है कि आप जैसे उत्साहित युवा पुलिस सुधारकों को सिस्टम में आसानी से लागू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 75 सालों में भारत ने एक बेहतर पुलिस सेवा का निर्माण किया। पुलिस ट्रेनिंग से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भारत ने सुधार किया है। आगे क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो सुनिए। आपको 1930 की दांडी यात्रा की याद दिलाना चाहता हूं। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के दम पर अंग्रेजी शासन की नींव हिला देने की बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि जब साधन न्यायपूर्ण और सही होते हैं तो भगवान भी साथ देने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। साथियों, एक छोटे से जत्थे को साथ लेकर महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से निकल पड़े थे। एक एक दिन बीतता गया और जो लोग जहां थे वो नमक सत्याग्रह से जुड़ते चले गए। 24 दिन बाद जब गांधी जी ने दांडी में अपनी यात्रा पूरी की तो पूरे देश, एक प्रकार से पूरा देश उठ करके खड़ा हो गया था। कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, पूरा हिंदुस्तान चेतनवंत हो चुका था। उस मनोभाव को याद करना, उस इच्छा शक्ति को याद करिए। इसी ललक ने, इसी एकजुटना ने भारत की आजादी की लड़ाई को सामूहिकता की शक्ति से भर दिया था। परिवर्तन का वही भाव, संकल्प में वही इच्छा शक्ति, आज देश आप जैसे युवाओं से मांग रहा है। 1930 से 1947 के बीच देश में जो ज्वार उठा, जिस तरह देश का युवा आगे बढ़कर आए, एक लक्ष्य के लिए एकजुट होकर पूरी युवा पीढ़ी जुट गई, आज यही मनोभाव आपके भीतर भी अपेक्षित है। हम सबको इस भाव में जीना होगा, इस संकल्प के साथ जुड़ना होगा। उस समय देश के लोग, खास करके देश के युवा, स्वराज्य के लिए लड़े थे। आज आपको सुराज्य के लिए जी जान से जुटना है। आज आपको देश के लिए जीने का भाव लेकर आगे चलना है। 25 साल बाद जब भारत आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, तब हमारी पुलिस सेवा कैसी होगी, कितनी सशक्त होगी, वो आपके आज के कार्यों पर भी निर्भर करेगी। आपको वो बुनियाद बनानी है जिस पर 2047 के भव्य अनुशासित भारत की इमारत का निर्माण होगा। समय ने इस संकल्प की सिद्धि के लिए आप जैसे युवाओं को चुना है और मैं इसे आप सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं।
आप एक ऐसे समय पर करियर शुरू कर रहे हैं जब भारत हर क्षेत्र हर स्तर पर ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। आपके करियर के आने वाले 25 साल भारत के विकास के भी सबसे अहम 25 साल होने वाले हैं, इसलिए आपकी तैयारी, आपकी मनोदशा इसी बड़े लक्ष्य के अनुकूल होनी चाहिए। आने वाले 25 साल आप देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पदों पर काम करेंगे, अलग अलग रोल निभाएंगे। आप सभी पर एक आधुनिक, प्रभावी और संवेदनशील पुलिस सेवा के निर्माण की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेडिकल में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के मोदी सरकार के फैसले को कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने राजनीति से प्रेरित बताया है। अब बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि पिछड़ा वर्ग के आयोग को सांवैधानिक दर्जा देने करने की मांग एक लंबे समय से चली आ रही थी। यूपीए सरकार के पिछले 10 सालों में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया है। वो आगे कहते हैं कि बीजेपी ओबीसी समाज और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के युवाओं को मेडिकल कॉलेज की पीजी और यूजी की पढ़ाई में आरक्षण का निर्णय लेने के लिए पीएम मोदी को बधाई देते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। देश में समतामूलक समाज की स्थापना के लिए समाज के सभी वर्गों को समाहित करते हुए समरस भारत की रचना को करने के लिए बहुत सारे निर्णय एक लंबे समय से पेंडिंग थे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनको पूरा करके सरकार ने सामाजिक समरसता का, समतामूलक समाज का और सभी वर्गों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के जो संवैधानिक दायित्व उनको पूर्ण करने का प्रयास किया है। हम ये भी जानते हैं कि पिछड़ा वर्ग का जो आयोग था उसको संवैधानिक आयोग देने की मांग एक लंबे समय से पेंडिंग पड़ी थी। यूपीए सरकार के 10 साल निकल गए लेकिन उसको संवैधानिक आयोग का दर्जा नहीं दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया। देश में एक लंबे समय से इस बात की भी मांग पेंडिंग थी कि जो सामान्य समाज के जो गरीब लोग हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, उनको भी संवैधानिक आरक्षण दिया जाए और इस विषय को भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को दिया गया। कांग्रेस कुछ भी कहे लेकिन कांग्रेस का इतिहास इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस ने 1950 से लेकर 1977 तक, जब वो 74 तक वो पूरे देश के शासन में रहे और उसके बाद भी पिछड़ा वर्ग आयोग को, चाहे काका कालेलकर की रिपोर्ट हो चाहे मंडल आयोग की रिपोर्ट हो, उसको लागू नहीं किया। कांग्रेस ने कभी भी आर्थिक रूप से सामान्य समाज वर्ग के जो लोग हैं उनको समाज की मुख्यधारा में आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए भी किसी प्रकार की नीति को लागू नहीं किया गया। और इतना ही नहीं, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये कांग्रेस के संसदीय परंपरा के आचरण पर एक धब्बा लगाने जैसा प्रश्न चिन्ह है कि जब पहली बार देश के मंत्रिमंडल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ी संख्या में ओबीसी समाज के लोग, दलित समाज के लोग, ट्राइबल समाज के लोग, सामान्य समाज के लोग
और सबसे बड़ी संख्या में महिला वर्ग इस मंत्रिमंडल में जब आए और संसद के सामने जब उनका परिचय कराना था तो कांग्रेस ने अपने दुर्भाग्यपूर्ण आचरण से, संसदीय परंपरा की मर्यादाहीनता के आचरण से उन महिलाओं का परिचय भी नहीं होने दिया। ये संसदीय परंपरा और मर्यादा को तोड़ने का काम कांग्रेस के द्वारा लगातार किया जाता रहा है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी वर्गों को सामाजिक न्याय के लिए, सभी वर्गों के आर्थिक उत्थान के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से हमेशा संकल्प किया है कि उनकी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है, शासन में गरीबों तक उनकी योजनाओं को पहुंचाने के साथ ही साथ अपनी सामाजिक नीतियों के माध्यम से उनको अवसरों में भी उसी प्रकार की उपलब्धता प्रदान की गई है और इसके लिए हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। पेट्रोल और डीजल फिलहाल जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। लोकसभा में पूछे सवाल के जवाब में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा है कि जीएसटी काउंसिल ने इसके लिए कोई सिफारिश नहीं की। मार्च में आई एक रिसर्च रिपोर्ट कहती है कि अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी के दायरे में आते हैं तो पूरे देश में पेट्रोल की कीमत 75 रुपए प्रति लीटर और डीजल 68 रुपए प्रति लीटर हो सकता है, पर जीएसटी काउंसिल में शामिल राज्यों को इस पर आपत्ति है और इसी वजह से ये मामला अटका हुआ है। क्या ये पूरा मामला है, इस रिपोर्ट से समझिए। इस साल जुलाई तक देश में पेट्रोल की कीमतें 66 बार बढ़ी हैं और केवल 6 बार कम की गई। इसी तरह डीजल की कीमतें भी 66 बार बढ़ी हैं और केवल 4 बार कम की गई हैं। देश में कई जगहों पर पेट्रोल का रेट 110 रुपए लीटर से भी ज्यादा गया है। पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच बार बार ये मांग उठती है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए। आइए समझते हैं अभी पेट्रोल डीजल की कीमतें कैसे निर्धारित होती हैं। क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के अंदर लाने से कीमतें कम हो जाएंगी और क्या भारत के पड़ोसी देशों में भी पेट्रोल डीजल की कीमतें इसी तरह बढ़ रही हैं? पेट्रोल डीजल की कीमतें कैसे तय होती हैं? जून 2010 तक सरकार पेट्रोल की कीमत निर्धारित करती थी और हर 15 दिन में इसे बदला जाता था, लेकिन 26 जून 2010 के बाद सरकार ने पेट्रोल की कीमतों का निर्धारण ऑयल कंपनियों के ऊपर छोड़ दिया। इसी तरह अक्टूबर 2014 तक डीजल की कीमत भी सरकार निर्धारित करती थी, लेकिन 19 अक्टूबर 2014 से सरकार ने काम भी ऑयल कंपनियों को सौंप दिया। यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमत निर्धारित करने में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, ये काम ऑयल मार्केटिंग कंपनियां करती हैं। ऑयल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत, एक्साइज रेंज, टैक्स, पेट्रोल डीजल के ट्रांसपोर्टेशन का खर्च और बाकी कई चीजों को ध्यान में रखते हुए रोजाना पेट्रोल डीजल की कीमतें निर्धारित करती है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में लाने से कीमतें कम हो जाएंगी। इसी साल मार्च में जारी एसबीआई की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक अगर सरकार पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में लाती है तो देश में पेट्रोल की कीमत 75 और डीजल की कीमत 67 रुपए प्रति लीटर हो सकती है। आर्थिक तौर पर देखा जाए तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जीएसटी में पेट्रोल और डीजल को लाने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पूरे देश में टैक्स की दर एक होगी। परिवहन लागत के आधार पर खुदरा कीमतें अलग अलग होंगी, फिर भी इतना ही नहीं कि एक ही राज्य में दो शहर में बहुत ज्यादा अंतर हो जाए। अब यदि दिल्ली में पेट्रोल पर कुल टैक्स 137% है और जीएसटी की दर 50% रखी जाए तो कीमत 101.45 रुपए प्रति लीटर के बजाय 65.71 रुपए हो सकती है। इसी तरह डीजल पर 50% की दर से जीएसटी लगाने पर कीमत 89.87 रुपए से घटकर 65.93 रुपए हो सकती है। इससे आम लोगों को तो फायदा होगा ही, लेकिन सरकारों की कमाई काफी घट जाएगी। यही वजह है कि जीएसटी को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने में सबसे बड़ी परेशानी क्या? कभी भी सामान या सेवा पर जीएसटी तय करने से पहले ये देखा जाता है कि जीएसटी के पहले की व्यवस्था में उस पर केंद्र और राज्य कुल मिलाकर कितना कर लगा रहे थे।
ताकि केंद्र और राज्य और तीन केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर को किसी तरह का नुकसान नहीं उठाना पड़े। तकनीकी भाषा में इसे रेवेन्यू न्यूट्रल रेट RNR कहते हैं। पेट्रोल डीजल पर GST नहीं लागू करने में ये सबसे बड़ी बाधा है। आइए आसान भाषा में ऐसे समझिए। 16 जुलाई को दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की बेस प्राइस 41 रुपए थी। इस पर केंद्र सरकार की ओर से 32.90 रुपए की दर से सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सेस समेत और दिल्ली सरकार की ओर से 23.43 रुपए वेट लगाया गया, मतलब कुल टैक्स हुआ 56.33 रुपए। बेस प्राइस के प्रतिशत के हिसाब से देखें तो ये सब करीब 137% होता है। डीजल के मामले में ये दर 107% है। अब RNR के हिसाब से चलें तो पेट्रोल और डीजल पर GST की दर क्रमशः 137 और 107% के आसपास होना चाहिए। अभी GST की मौजूदा व्यवस्था में सबसे ऊंची दर 28% है। अब इसमें सेस भी मिला दें तो ये हो जाएगा 50%। एक रास्ता है अगर विशेष दर अपनाई जाए या फिर तंबाकू के समान विशेष सेस लगाया जाए तो कुछ हद तक GST दर मौजूदा दर के आसपास हो सकती है, लेकिन ऐसा फिलहाल होता दिख नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर कमाई के आंकड़े को देखें तो समझ में आ जाएगा कि क्यों केंद्र और राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल पर GST लागू करने की सहमति नहीं बना रही हैं। इसी सप्ताह लोकसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी कि पहले 3 महीने में पेट्रोल डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के जरिए 94,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई। दूसरी ओर PPAC पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के आंकड़े बताते हैं कि 2018 से 19, 2019 से 20 और 2020 से 21 के दौरान राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 2,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है। स्पष्ट है कि केंद्र और राज्य सरकारें अपनी कमाई के स्रोत में कोई बदलाव नहीं चाहती हैं। पेट्रोल डीजल महंगा होने की वजह क्या है? पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के पिछले सरकारी टैक्स की सबसे बड़ी वजह है। अभी पेट्रोल डीजल का बेस प्राइस करीब 40 रुपए ही है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से लगने वाले टैक्स से इनकी कीमतें देश के कई हिस्सों में 110 रुपए के पार पहुंच गई है। केंद्र सरकार पेट्रोल पर 33 रुपए एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है। इसके बाद राज्य सरकारें इस पर अपने हिसाब से वैट और सेस वसूलती है। इससे पेट्रोल डीजल का दाम बेस प्राइस से 3 गुना तक बढ़ जाता है। भारत में पेट्रोल पर 55 और डीजल पर 44 रुपए से भी ज्यादा टैक्स वसूला जाता है। हर राज्य में कीमतें अलग अलग क्यों होती हैं? पेट्रोल डीजल पर राज्य भी टैक्स लगाते हैं। हर राज्य में ये टैक्स अलग अलग होता है, इसी वजह से हर राज्य में पेट्रोल डीजल की कीमतें भी अलग अलग होती हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। दिल्ली पेट्रोल पर 30% वेट लगाता है और उत्तराखंड 25%, यानी कि दिल्ली के मुकाबले उत्तराखंड में आपको पेट्रोल सस्ता मिलेगा। इसी तरह हर राज्य में पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स की रेट अलग अलग होती है। GST में लाने से राज्य को क्या नुकसान, क्या फायदा? SBI की इकोनॉमिक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक अगर पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाया जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान महाराष्ट्र को हो सकता है। महाराष्ट्र के राजस्व में 10,424 करोड़ रुपए की कमी आ सकती है। इसके अलावा राजस्थान में 6,388 करोड़ और मध्य प्रदेश में 4,589 करोड़ की कमाई हो सकती है। वहीं कुछ राज्यों को इससे फायदा भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश के राजस्व में 2,419 करोड़, हरियाणा के राजस्व में 1,832 करोड़, पश्चिम बंगाल के राजस्व में 1,746 करोड़ और बिहार के राजस्व में 672 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार की कमाई का बड़ा जरिया पेट्रोल डीजल। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद वित्त वर्ष 2014 से 15 में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी से 1.72 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। 2020 से 21 में यह आंकड़ा बढ़कर 4.54 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, यानी सिर्फ 6 सालों में ही एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार की कमाई 3 गुना के करीब बढ़ गई है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्यों राज्य सरकारें GST को लेकर मनाही पर उतारू हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।
कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद से तमाम राज्यों में स्कूल कॉलेज खोले जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी कड़ी में पंजाब सरकार ने आज घोषणा की है कि वो सोमवार यानी कि 2 अगस्त से सभी क्लासेस के लिए स्कूल को फिर से खोलने की मंजूरी दे रही है। हालांकि इस दौरान उचित प्रोटोकॉल के साथ कोविड-19 उचित व्यवहार सुनिश्चित किया जाएगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी द्वारा लिखे गए एक पत्र में कहा गया है कि राज्य में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 10 अगस्त तक अन्य प्रतिबंध लागू रहेंगे। बता दें कि पंजाब में 26 जुलाई से हायर क्लासेस यानी कि 10वीं और 12वीं तक के स्कूल पहले ही खोले जा चुके हैं। हालांकि स्कूलों में केवल उन्हीं टीचर्स और स्टाफ को पहुंचने की अनुमति दी गई है जिनका पूरी तरह से टीकाकरण हो चुका है। इसके साथ ही स्कूलों में आने के लिए छात्रों के अभिभावकों की मंजूरी जरूरी होगी। इस दौरान डिजिटल कक्षाओं का ऑप्शन भी जारी रहेगा। इस बीच पंजाब में शुक्रवार को 49 नए कोविड मामले दर्ज किए गए जिससे राज्य में कोरोना मामलों की कुल संख्या 5,99,000 से ज्यादा है। वहीं अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को कोविड से संबंधित कोई मौत नहीं हुई है। राज्य में फिलहाल कोरोना के 544 सक्रिय मामले हैं। बता दें कि अब तक कई राज्यों में स्कूल खोले जा चुके हैं। इनमें बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश ये राज्य हैं। वहीं कई अन्य राज्य अगस्त महीने में स्कूल खोलने की योजना बना रहे हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में आंदोलन कर रहे किसानों ने बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल की जमकर धुनाई कर दी है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी नेता महंगाई और सिंचाई पानी को लेकर श्रीगंगानगर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे थे, तभी वहां पर आंदोलन कर रहे किसान पहुंचे। वहां किसानों की कैलाश मेघवाल से जमकर भिड़ंत हो गई। किसानों ने भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल के कपड़े फाड़ दिए। कैलाश मेघवाल के साथ मार पिटाई भी की है। उन्होंने किसानों के साथ अभद्रता का आरोप उन पर लग रहा है। साथ ही साथ कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, किसानों से कैलाश मेघवाल को छुड़वाया है। मुख्य बाजार में पुलिस ने किसानों पर जमकर लाठियां भी बरसाई हैं जिसकी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में शनिवार रविवार को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। देश के पूर्वी हिस्सों में मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ पश्चिम बंगाल के ऊपर निम्न दबाव बनने का क्षेत्र है। इससे पश्चिम की ओर झारखंड और बिहार की तरफ बढ़ने के आसार और ज्यादा है। इन राज्यों में वीकेंड में भारी बारिश हो सकती है। रिपोर्ट देखिए। मौसम विभाग ने पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में शनिवार रविवार को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर रखा है और रुक रुक कर बारिश भी कई राज्यों में हो रही है। देश के पूर्वी हिस्सों में मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ पश्चिम बंगाल के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इससे पश्चिम की ओर झारखंड और बिहार की तरफ बढ़ने के आसार है। इससे इन राज्यों में वीकेंड में भारी बारिश हो सकती है। स्काईमेट की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है और अगले 3 दिनों में यहां भारी बारिश हो सकती है। दक्षिणी दिल्ली की IIT फ्लाईओवर के पास वाली रोड में शनिवार दोपहर कुएं जैसा गड्ढा हो गया है। यहां अचानक सड़क जमीन में धस गई, इससे वहां ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि गड्ढा 10 से 15 फीट चौड़ा है। जयपुर में अगले 4 से 5 दिन एक्टिव रहेगा मॉनसून। जयपुर में शुक्रवार को 1.9 मिलीमीटर पानी बरसा। मौसम विभाग का दावा है कि अगले 4 से 5 दिन मॉनसून एक्टिव रहेगा। जिले में अब तक सामान्य बारिश 249.10 मिलीमीटर के मुकाबले 157.05 मिलीमीटर पानी बरस चुका है। जयपुर के अलावा आसपास के कुछ इलाकों में भी शुक्रवार को बारिश हुई है। कोलकाता समेत बंगाल के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। बीते 24 घंटे में पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों में भारी बारिश हुई है जिसे राज्य के कई प्रमुख हिस्सों में पानी भर गया है। सड़कें लबालब हैं। रात भर हुई बारिश के चलते उत्तरी बंगाल की कलिम्पोंग पहाड़ियों में ममखौला नाले में उफान आ गया। इसमें बहने से 2 मजदूरों की जान चली गई, 2 घायल हो गए जबकि 4 लापता हैं। उधर ओडिशा के उत्तरी भागों के साथ साथ झारखंड में भी शुक्रवार को मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई। अगले 2 दिनों में दक्षिणी बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर और पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने का अनुमान है। हिमाचल में 150 मीटर हाईवे को साथ लेकर धसा पहाड़। हिमाचल प्रदेश में मानसून अब लोगों पर आफत बनकर
कहर बरपा रहा है। सिरमौर में पांवटा शिलाई मार्ग पर बड़वास के पास शुक्रवार सुबह 8 बजे पहाड़ी दरकने से हाईवे का 150 मीटर का हिस्सा टूट गया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल होने लगी। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी की मौत नहीं हुई। जिस वक्त यह हादसा हुआ, दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही हो रही थी। इस घटना में करीब 80 लोग बाल बाल बच गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से दूसरी बार बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास ले लिया है, जिसके बाद बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लिखकर राजनीति छोड़ने की घोषणा की है। पिछले कुछ दिनों से उनके राजनीति से संन्यास लेने के कयास भी लगाए जाने शुरू हो गए थे। वो सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट लिखकर ये इशारा भी कर रहे थे। बाबुल सुप्रियो ने अपने फेसबुक अकाउंट पर बांग्ला में राजनीति संन्यास का ऐलान कर दिया। क्या लिखा है बाबुल ने, जरा आपको सुनाते हैं और आपको दिखाते हैं। चोलना यानी अब चलता हूं, अलविदा, मैंने सब कुछ सुना, पिता माँ पत्नी बेटी एक दो प्यारे दोस्त सबकी राय के बाद ऐसा महसूस हुआ कि मुझे अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। हाँ, लेकिन ये भी मैं साफ कर दूं कि मैं किसी और पार्टी में नहीं जा रहा हूं। #TMC #कांग्रेस #CPIM कहीं नहीं, मुझे किसी दूसरी पार्टी के नेताओं ने फोन भी नहीं किया। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं एक टीम प्लेयर हूं, हमेशा एक टीम का साथ दिया है। #मोहन भागन बंगाल के फुटबॉल टीम मोहन बगान, और राजनीति में सिर्फ भाजपा यानी कि पश्चिम बंगाल की है। बस कुछ देर रुके, कुछ मन में रखा, कुछ तोड़ा, कहीं अपने काम में मैं तुम्हें खुश किया, कहीं निराश किया। आप आंकलन नहीं करेंगे, मन में आने वाले तमाम सवालों के जवाब देने के बाद कहता हूं, अपनी तरह कहता हूं, अब चलता हूं। यदि आप सामाजिक कार्य करना चाहते हैं तो आप इसे राजनीति से आए बिना भी कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में मैंने बार बार सोचा और राजनीति छोड़ने का मन बना लिया। आज मैंने फैसला कर लिया। माननीय अमित शाह और माननीय नड्डा के द्वारा हर तरह से प्रेरित करने के लिए मैं उनका सदा आभारी रहूंगा। मैं उनके प्यार को कभी नहीं भूलूंगा। कहीं ना कहीं हर कोई सोच सकता है कि मैं एक पद के लिए सौदेबाजी कर रहा हूं, लेकिन ये सच नहीं है, इसलिए इसे लेकर संदेह नहीं होना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि वे मुझे गलत समझे बिना मुझे माफ कर देंगे। बाबुल सुप्रियो, जिन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया, पश्चिम बंगाल में एक और झटका बीजेपी को ये माना जा रहा है। तो एक लंबा पोस्ट लिखकर उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया है। और साथ की बात में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।